हेलो वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो टूडेन टेल यू अ वेरी नाइस रेसिपी विच इज़ पराठा टाकोस और ये रेसिपी बनेगी एकदम गेहूँ के पराठे से इसमें कुछ भी नुकसानदा नहीं है सो आई कैन फेयरली कॉल इट अ हेल्दी रेसिपी विच इज़ सुपर टेस्टी एंड सुपर यंग एंड वेरी इजी टू मेक सो लेट्स विद तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपने टाकोस की स्टफिंग जो कि पनीर की होने वाली है तो मैंने यहाँ दो कप के अराउंड पनीर लिया है डाइस कर लिया है देन मैंने कैप्सिकम ली है एक बड़ा टमाटर लिया है हरा पत्ता लिया है धनिए का और फ्रेशनेस के लिए ली है मिंट लीव्स और यहाँ मैंने लिया है कुछ मशरूम्स और एक छोटी प्याज बाकी आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो देन गाढ़ा दही दे, यानी हंकड़ थोड़ा सा चाट मसाला देन ये शेजवान सॉस ली है फॉर दैट नाइस स्पाइसीनेस तो ये नॉर्मल चिंग्स वाली ली है एंड देन नमक अब एक बड़े मिक्सिंग बोल में हम ये सारी चीजें एक साथ डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो इन सब्जियों में मैं अब डाल रही हूँ शेजवान सॉस जो चिंग्स वाली दिखाई थी देन हंकर देन चाट मसाला एंड सॉल्ट अब इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है सो so दैट एक एक वेजिटेबल पर मेरा अच्छे से कर्ड चढ़ जाए इसमें सारे फ्लेवर्स आ जाएं। अब इसको हमें छोड़ना होता है तो रेफ्रिजरेट कर सकते हैं हम इसे फॉर मिनिमम 15 मिनट्स आप ज़्यादा रखेंगे तो और अच्छी बात है तो 15 मिनट के बाद ये अच्छे से सेट हो से तो गया है अब ये मैंने कुकिंग शीट ली है असही कसे की तो ये बेकिंग शीट के नाम से भी जानी जाती है बहुत इजीली ये आपके रोल से निकल जाती है इसका कटर इतना अमेजिंग है एकदम हैसल फ्री है आपकी बेकिंग शीट निकलती है तो ये जो सल्यूशन हमने बनाया है ये हम इस शीट पर डालेंगे और अवन में इसको बेक करेंगे सो दैट हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं उनका रॉनेस फिन, फिनिश हो जाए और बहुत अच्छे से हमारी सब्जियाँ बेक हो जाए सो लाइक अ पॉकेट मैं यहाँ इसका बना रही हूँ इसको एक टाइप से सील कर रही हूँ और इसको मैं अवन में रख दूँगी फॉर टेन मिनट्स एट वन एटी डिग्रीज़ अवन मैंने फाइव मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था तो आप देखेंगे इसमें से कुछ भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा तो अब ये एक लोई लिया है मैंने आटे की नॉर्मल आटे की लोई है इसको छोटी पूरी साइज़ की हम इसको बेल लेंगे थोड़ा सा हम सूखा आटा भी लगा सकते हैं इसमें और अब हमें इसका बनाना है लच्छा पराठा तो पूरी साइज़ का ये लच्छा पराठा बनेगा तो लच्छा पराठे में अंदर घी जाता है तो यहाँ हम थोड़ा सा घी लगाएंगे लेकिन जब सेकेंगे तो नो ऑयल कुकिंग होगी हमारे असही कसाई के प्रोडक्ट पर तो ये मैं अंदर थोड़ा सा घी ब्रश किया है अब इसे हम प्लीट्स बनाएंगे जैसे एक फ़ैन बनाते हैं हम पेपर का उस तरीके से हम इसको प्लीट करते चले जाएंगे एंड देन इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे लाइटली और एक तरफ से हम इसको रोल करते हुए चले जाएंगे टिल दी अदर एंड सो जस्ट फॉलो जिस तरीके से मैं यहाँ दिखा रही हूँ अब बस थोड़ा सा सूखा आटा मैं इस पे लगाऊंगी और इसको लाइट हैंड्स के साथ हम इसको गोल गोल बेल लेंगे जैसे नॉर्मली हम बेलते हैं इसको वैसे ही हम बेल लेंगे तो ये पराठा मेरा बिल्कुल तैयार है तो इसे हाँ, अब हम लोहे के तवे पर सेकेंगे लेकिन मैंने इस तवे पर लगाई है असही कसाही की फ्राइंग पैन आ, फॉयल जो कि विदाउट एनी ऑयल आपका इस पराठे को सेक देगी बिकॉज़ इसकी जो बेस है उस पर सिलिकॉन कोटिंग है तो अब आप खुद देखेंगे कि ये कितने मज़े से यहाँ सीख रही है बिना किसी ऑयल के बिना किसी घी के आप देखो कितनी अच्छी चित्तियाँ आई हैं इस रोटी पर और ये मैंने साइड में थोड़ी सी स्पेस बना के दूसरा भी रख दिया सो दैट टाइम सेव हो बस इसी तरीके से पलट पलट कर हमारा वाला अच्छा पराठा बिल्कुल तैयार है ऑयल फ्री एंड दैट्स इट इसको हम थोड़ा सा टाकोस की शेप में थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे तो आपका टाको एकदम रेडी है मैं यूजुअली जो बेकिंग ट्रे होती है मैं उसमें इस तरीके से लगा के छोड़ देती हूँ तो ये थोड़ा सा शेप होल्ड कर लेता है आप करना चाहे तो कर सकते हैं तो अब यहाँ हमारा पनीर भी यहाँ अच्छे से बेक हो गया एकदम स्टफिंग एकदम मस्त हो गई है आप देख सकते हैं हमारी शीट एकदम ख़राब नहीं हुई है तो ये जो टाकोस हमने बनाए थे इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग को फिल कर देंगे एंड यू कैन इन्जॉय इट तो आप इसको अपनी किसी भी डिप के साथ खा सकते हैं मैं आपको यहाँ एक बड़ी क्विक और छोटी इजी सी डिप बनाकर दिखाती हूँ जिसके साथ आप टाकोज़ को इंजॉय कर सकते हैं तो यहाँ मैंने ली है हॉट एंड स्वीट केचप यानी कि ये तीखी भी है और थोड़ी मीठी भी है और इसको मैंने म्योनीज़ में मिक्स कर दिया है और साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज कलर ताकि मेरा कलर आ जाए आपकी चॉइस आप कितना कलर डालो या नहीं भी डालो तो बस आपकी डिप तैयार है और आपके टाकोज भी तैयार हैं सो जस्ट इंजॉय इट विद द अमेजिंग डिप तो थी ना कितनी आसान ये रेसिपी तो so, जरूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए इसका फीडबैक आपको कैसी लगी है रेसिपी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर टाइमली अपडेट्स